अब ये जो अवार्ड है एक बड़ा ही स्पेशल अवार्ड है और जिनको ये अवार्ड जाएगा वो हीरो की बड़ी शौकीन है, लेकिन हिंदुस्तान को ही नहीं पूरे वर्ल्ड को लगता है कि वो खुद ही एक अनमोल हीरा है। और ये है नाइटिंगेल ऑफ द सेंचुरी, जिनके बारे में हमें कुछ और बातें बताने के लिए बुलाना चाहूंगा स्टेज पर श्री रमेश सिप्पी एंड गुलजार साहब। She is the nightingale, I think, not only of India, everywhere in the subcontinent and all over the world, with one voice can say that Lata ji is the true nightingale of the world. Dosto, I feel privileged, really, ki mujhe ye mauka mila hai. कि मैं लता जी के हुजूर में खड़े होकर ये बात कह सकूं। खुशकिस्मत हैं हम कि उस दौर में हैं जब वो गा रही हैं, खुशकिस्मत हैं कि उस दौर में हैं जब हम उन्हें देख सकते हैं, उन्हें छू सकते हैं, उन्हें सुन सकते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं कि इस राज की बात क्या है, लता जी बहुत अच्छा गाती हैं लेकिन उसके पीछे पूरी कायनात है। जन्म लेती है एक ऐसी आवाज जो देश धर्म और समय की सरहदें पार कर मन की गहराइयों में उतरती है। लता मंगेशकर, उन्हें हमारा शत शत प्रणाम। लता जी, दो लव्स गाएंगी आप? नमस्कार, मैं सबके आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। लास्ट ईयर अक्टूबर में मेरे फिल्म इंडस्ट्री में 70 साल पूरे हुए और हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने 70 साल मेरी बहुत इज्जत की, बहुत अच्छा काम मुझसे करवाया, बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, बहुत अच्छे लेखक थे और मुझे जो इज्जत मिली है वो फिल्म इंडस्ट्री की वजह से मिली है। इसके लिए मैं फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बहुत आभारी हूँ और जनता की भी आभारी हूँ जो उन्होंने मुझे 70 साल बर्दाश्त किया। मैं आपको इतना ही कहती हूँ कि मेरी आवाज़ पहचान है गर याद रही।